विजय तिलक। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एबीपी गंगा पर। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। सिंह बॉर्डर पर आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई और इसकी अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन और राजू राजस्थान ने। इस दौरान उन्होंने कहा कि 29 तारीख को होने वाला ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया गया है और सरकार संयुक्त किसान मोर्चा के खुले पत्र पर जवाब नहीं देती है तो ट्रैक्टर मार्च आगे निकाला जा सकता है। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि 4 दिसंबर को अगली मीटिंग होगी। हमारी मांग MSP पर कानून, किसानों पर हुए मुकदमे वापस लेने जैसे मसले हैं जिस पर सरकार के फैसले के बाद में संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करके आगे की रणनीति बताएगा। तो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है, रुख में नरमी दिखाई दे रही है। 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च निकालना था किसानों को संसद की ओर, उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और सरकार को बताया गया है कि सरकार बात करे, किसानों पर जो मुकदमे हैं वो वापस लिए जाए, MSP पर कानून बनाया जाए और जो 6 मांगे बाकी हैं किसानों की, 6 सूत्री मांगे, उस पर सरकार विचार करके उन्हें जवाब दे। 4 दिसंबर को अगली बैठक होगी और उस बैठक में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। ये आज की बैठक में तय हुआ है और इसकी घोषणा भी की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तब 3 कानून रिपील नहीं हुए थे, उन्होंने पार्लियामेंट में विश्वास दिलाया है कि वो 29 को इन्हें रिपील करेंगे। हमने वेट किया है और ऐलान करते हैं कि 29 का संसद पूछ संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सस्पेंड किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी जिसमें हमारा MSP का मुद्दा, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको, उनके लिए कंपेंसेशन और रिहेबिलिटेशन परिवारों का, जो साथी हमारे ऊपर केस हो गए, केवल हरियाणा में ही 48,000 किसानों के ऊपर केस हैं, वो केस UP, पंजाब, हरियाणा सब जगह के जो हैं वो सब केस वापसी का मुद्दा है। फिर मुद्दा है कि जो यहाँ हमारा है कि हमें एक स्मारक के लिए जगह दी जाए और लखीमपुर खीरी के इंसिडेंट के दोषी जो हैं वो अपने टैनी साहब उनको बर्खास्त। इधर जौनपुर में काशी क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2022 के लिए भारत विरोधी तत्वों का ध्रुवीकरण हो रहा है, ये भाजपा के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव राष्ट्रवादियों और राष्ट्र विरोधियों के बीच होगा। उन्होंने कहा कि आज विरोधी सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से कर रहे हैं। वहीं CM योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने युवाओं की नौकरी पर डकैती डाली है। उन्होंने ये भी कहा कि बूथ सम्मेलन में नए उत्साह के साथ 2022 में जीत की गारंटी दिखाई दे रही है। एकजुट हो रही है भाजपा के खिलाफ। जितने भी भाजपा विरोधी हैं और अब तो ये विरोध उस हद तक जा चुका है कि जितने भी भारत विरोधी तत्व हैं वे सब एक ओर ध्रुवीकरण का हो रहा है और दूसरी तरफ आप सबके नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन के नेतृत्व में भारत की आन बान और शान की रक्षा करने वाले एक एक कार्यकर्ता मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने की पूरी प्रतिबद्धता के साथ आज इस पूरी लड़ाई में राष्ट्र सापेक्ष और राष्ट्र निरपेक्ष उन लोगों के आपके सामने पूरी लड़ाई वृक्ष बैठी हुई दिखाई दे रही है। एक नए उमंग के साथ, एक नए उत्साह के साथ 2022 में भारतीय जनता पार्टी की जीत की उतनी ही मजबूती के साथ गारंटी देते हुए दिखाई दे रहा है जो 2019 में, 2017 में और 2014 में उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से प्रदेश
मुख्यमंत्री योगी के उद्गार आपने सुने जौनपुर में। जौनपुर के टीडी कॉलेज में भाजपा के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन हो रहा है और इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। इस सम्मेलन में काशी क्षेत्र के 29,000 से ज्यादा बूथ अध्यक्ष शामिल हैं। इस सम्मेलन में 14 जिलों और 2 महानगरों के पदाधिकारी पहुंचे हैं। दरअसल पूर्वांचल की 33% सीटों पर भाजपा की नजर। काशी क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर जीत का मंत्र उन्हें दिया। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी ने भी अपनी बात रखी। 29,500 बूथ अध्यक्ष आज के सम्मेलन में शामिल हुए। 14 जिलों और 2 महानगरों के पदाधिकारी आज के सम्मेलन में शामिल थे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर जीत का मंत्र दे रहे। इधर गोंडा में सीएम योगी ने एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज सरकार गरीबों को फ्री राशन दे रही है, जबकि 2017 से पहले राशन सैफ ही चला जाता था। इतना ही नहीं, 2017 से पहले गरीबों के राशन कार्ड को समाजवादी पार्टी के नेता अपने पास रख लेते थे। उन्होंने यह भी कहा कि विकास का काम पहले भी हो सकता था, लेकिन बुआ और बबुआ को विकास करने से किसने रोका था। ये लोग भाई भतीजावाद में लगे रहे। इनके दोहरे चरित्र में कभी मत आना, उनके बहकावे में कभी मत आना, क्योंकि इन लोगों के बयानों से तो गिरगिट भी कभी कभी शर्मा जाएगा। जैसे रंग लोग बदलते हैं, बार बार रंग बदलते हैं भाइयों बहनों, ये काम पहले भी हो सकता। आखिर किसने रोका था कांग्रेस को, किसने रोका था बबुआ को, और किसने रोका था बुआ को? तो पहले भी थे ना, इनको तो पूरा मौका मिला था ना प्रदेश में कार्य करने का। लेकिन नहीं, पहले विकास के लिए नहीं काम होता, भाई तीजी बात के लिए काम होता। अपना पराया था, जाति के नाम पर आते थे, क्षेत्र के नाम पर आते थे, बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाते थे, दंगा करवाते थे। भाइयों बहनों, ये कार्य 2017 के पहले भी हो सकता था, 14 के पहले भी हो सकता था, लेकिन देश के बारे में जब सोच हो तो कोई फैसला ना होगा। 2017 के पहले, 2014 के पहले ऐसा नहीं होता था। 2017 के पहले तो प्रदेश में ऐसी सरकार थी जो पर्व और त्योहार में दंगा करवा देती थी और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती थी। आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी मार में घुस घुस करके आतंकवादियों को मारा गया। आज आतंकी वारदात भारत के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने, पिछली सरकारों ने इन आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लिया। याद करिए, जिन आतंकवादियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को बड़ी बेशर्मी के साथ पिछली सरकारों ने वापस लेने का कार्य करने की सलाहत रची थी। आपने मुख्यमंत्री योगी को देखा क्या कह रहे थे वो? तो एक ओर भाजपा बूथ के जरिए वोट मजबूत करने में लगी है और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी प्रतिज्ञा रैली के जरिए यूपी में एक बार फिर कांग्रेस को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने की कोशिशों में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में आज प्रियंका गांधी बुंदेलखंड पहुंची और महोबा में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित कर केंद्र और प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। साथ ही कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो गरीबों और जिनके छोटे कारोबार बंद हो गए उनको सरकार 25,000 रुपये देगी। जिनके जिनको जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, जिनके छोटे छोटे कारोबार बंद हुए, उनके लिए अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो 25,000 रुपये दिए जाएंगे ताकि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हमने तय किया है कि 20 लाख सरकारी रोजगार दिलवाएंगे,
और अगर कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, तो 10 लाख रुपए तक सरकार इलाज कराएगी। हरदोई के संडीला में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने साझा रैली की। इस दौरान अखिलेश ने भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि सरकार एयरपोर्ट बेचने के लिए बना है। और ये कौन सा प्लान एयरपोर्ट बना रहे हैं? एशिया का। और तब जब सरकार का समय खत्म हो गया तब लगा रहे हैं। और ये प्लान, ये जो एयरपोर्ट बन रहा है वो आपके लिए नहीं बन रहा है। एयरपोर्ट में आप हवाई जहाज में नहीं चल पाओगे। ये बना रहे हैं सरकारी पैसे से, और जब बनकर के तैयार हो जाएगा तो इसको भी बेच देंगे। ये बेचने के लिए एयरपोर्ट बना रहे हैं। ये एयरपोर्ट इसलिए बना रहे हैं कल इनको बेचने का मौका मिल जाए। और फिर एशिया का क्यों सबसे बड़ा बना रहे हो? समाजवादियों को मौका मिलेगा तो वो एयरपोर्ट सरकार का रहेगा और दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। तो अखिलेश यादव ने इस तरह से सरकार पर आक्रमण किया। उन्होंने कहा कि ये एयरपोर्ट बेचने के लिए बना रहे हैं और बना तब रहे हैं जब सरकार का समय समाप्त हो गया है, और अगर समाजवादियों को अवसर मिला तो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा और बिकेगा नहीं। इस तरीके से जेवर एयरपोर्ट के मामले पर सरकार पर प्रहार किया अखिलेश यादव ने। हरदोई के संडीला में ज्वाइंट रैली थी सुभाषपा और समाजवादी पार्टी की, और इसीलिए आपने देखा पीला गमछा भी अखिलेश यादव ने पहना हुआ था। और भारत न्यूजीलैंड के मैच के बीच कनपुरिया स्टाइल देश ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। कानपुर के गुटखेबाज का वीडियो जमकर वायरल हुआ है। अब कानपुर के लोग अपने स्टाइल में युवक का बचाव कर रहे हैं। देखिए तो भैया, हम खड़े हैं कानपुर के घंटाघर में, और स्टाइल को लेकर, कनपुरिया स्टाइल को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। कानपुर वैसे भी वर्ल्ड फेमस है, और फेमस हो गया है तब जब भारत और न्यूजीलैंड का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच चालू हुआ। पहले दिन 70वें ओवर में एक कनपुरिया गुटखा खाकर फोन में बतिया रहा था और उसकी फोटो वायरल हुई सोशल मीडिया पे। ऐसी वायरल हुई है कि बड़े बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने उसको ट्वीट किया, और ट्वीट करने के बाद वो सोशल मीडिया का स्टार बन गया है। कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर की गली गली में ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलते हैं, चाहे वो पान हो चाहे गुटखा हो, ऐसे ही चबा चबा के खाया जाता है, और यहाँ पर चर्चा भी बहुत होती है। लेकिन कनपुरिया स्टाइल की चर्चा हुई है तो कनपुरिया स्टाइल में कानपुर के वासियों से, कनपुरिया लोगों से बातचीत करते हैं। बड़ी चर्चा हो रही है कनपुरिया स्टाइल की, वीडियो देखा आपने? जी देखा। देखिए ऐसा है कि कानपुर नहीं, ये तो व्यवस्था एक सनातनी परंपरा है। हाँ। पान खाने जो है भोजन के उपरांत हमारे यहाँ बताया गया मुख शुद्धि के लिए पान खाना। हाँ। पान मसाला डोरा ये हमारे यहाँ परंपरागत बुजुर्ग लोग खाते चले आ रहे हैं, और उसी का स्वरूप जो है पान गुटखा हो गया है। गुटखा क्यों? कानपुर शहर का जन्मदाता है। हाँ। और कानपुर शहर से ही सबसे पहले पूरी दुनिया में गुटखे का व्यवसाय चालू किया गया। लोगों को, गरीब आदमी को जो खा पाने में असमर्थ थे उनको 1 रुपए में सुविधा मिल गई और वो लोग उस व्यापार में आगे बढ़ गए। वो व्यवस्था अब एक चलन के रूप में हो गई है। ये कनपुरिया जो स्टाइल है आप भी खा रहे हैं, तो ये इससे लगता है कि छवि धूमिल होती है कानपुर की स्टाइल? बिल्कुल नहीं धूमिल होती, जो कहता है वो गलत बोलता है। धूमिल होती है, पान तो मुख शुद्धि के लिए होता है, देवताओं का भोग लगता है इसका। गुटखा की बात की जाए, गुटखा भी कोई बुरी चीज नहीं। देखिए हमारे पुराने जमाने में दोहरा बना के लोग कटी रुपाड़ी और सरौटा और चूना और कट्ठा सब रखते थे, कपड़े के बटुआ बोलते थे उसको हमारे यहाँ। अब वो प्रचलन खत्म हो गया, बना बनाया आ गया गुटके के रूप में। उसमें कोई बुराई नहीं है, जब उसको बड़े बड़े लोग स्पॉन्सर कर रखते हैं, बड़े बड़े दिग्गज एक्टर उसको प्रसारित कर रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? एक आम आदमी खा ले तो आप उसको बदनाम कर देंगे, ये गलत बात। कानपुर की पहचान बन गया गुटका? अरे तो का गलत कर रही है बताओ? अरे अमिताभ बच्चन कर रहा है, रणवीर कपूर कर रहा है, तो अपना भाई कर दिस तो का गलत करी? रोमा उनके ऊपर
हम कह रहे हैं कि गुटखा खा करके स्टेडियम में जाए गए और इंटरनेशनल छवि बना। गुटखा थूकना मना है ना, खाना थोड़ी ना उमा लिखा कि खाना मना है। वो खाए अंडर आई लील लीट, वो तो उसकी कला है भाई कानपुर की। उमा का गलत कर रही, सही कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे। गलत कहा है माँ? गलत कुछ नहीं, उसने खाया ले लिया, थूका नहीं। अरे हम लोग पिक्चर हॉल में जाके हम लोग कोल्ड ड्रिंक पलटा के वही में पीक डांस बना ले, तुम बता रहे हो गलत करी स्टेडियम में। क्या भैया ये बड़ी बेइज्जती हुई रही है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये कानपुर में मामूली बात है। हाँ। ये तो हम लोग का काम ही है, जगह नहीं मिलती तो हम लोग अंदर ही ले जाते। अच्छा। पहली चीज तो वहाँ पे ले जाना मना था लेकिन खाना मना नहीं था। अच्छा, ले जाकर के तो गुनाह किया ना? गुनाह क्या, वहाँ उसकी कला है, वो कला दिखाई थी अपनी। ले कैसे जा पाया अंदर? अंदर कैसे ले जा पाया? उसकी तलाशी होनी चाहिए थी ना। ये तो आपकी व्यवस्था कमी है कि वो अंदर ले गया, ये उसकी होशियारी है। वो ले गया तो उसकी व्यवस्था कमी है आपकी, वो कैसे ले गया अंदर? खाते हुए अंदर गया था और खाते हुए ट्रमट को किसी ने ठोकने थोड़ी कहा कि ठोक दिया जाए, और मुंह में खा रहा था और उसने कहीं ठोकते हुए थोड़ी प्रसारित उसको किया गया भैया। और कहीं उसने ठोका तो है नहीं, या कहीं दिखावे सोशल मीडिया ठोका उसने, तो ठोक सकता ही नहीं। कनपुरिया आदमी इस मामले में बहुत रॉयल है, वो अपनी चीज को व्यर्थ नहीं करता, और ये कोई खराब चीज तो है नहीं। ये स्टाइल चर्चा का विषय बना है ग्रीन पार्क स्टेडियम में। पहले दिन जो मैच हुआ उसमें एक कनपुरिया गुटखा खाते दिखा, उसका वीडियो वायरल हुआ। तमाम इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने और तमाम लोगों ने इसको ट्वीट किया सोशल मीडिया पर, रातों रात ये ट्वीट हुआ। और इसको कानपुर की बदनामी से देखा जा रहा है, लेकिन जो कानपुर में गुटखा खाने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये बदनामी नहीं, ये नाकाम कोशिश है बदनाम करने की। कानपुर का यह चलन है और ये चलन चलता रहेगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।